गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज गाइस राइड बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की राइड है बस्तर की और अपन सारे राइडर आज एमडी में मिलने वाले हैं और एमडी से स्टार्ट होगी अपनी राइड, एमडी से बस्तर के लिए। तो वहाँ पर हम लोग दो तीन जगह कवर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहे और गाइस चलते हैं एमडी और वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते, देखते राइडर सभी पहुँचे कि नहीं। वैसे मीटअप अपने 7 बजे का था और लगभग 7 बजने ही वाले हैं, तो मैं हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ 2-4 मिनट, बट पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं, फ़िलहाल एमडी चलते हैं और वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ एमडी और देखते भाई लोग कहाँ पर है और फिर यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। अपन जाएंगे आज के स्काल, तो उसके लिए सब रेडी है और चलो चलते मीटअप पॉइंट पे और देखते हैं कहाँ पे भाई लोग। तो अभी बज रहे सुबह के 7 बजे का अपना मीटअप था और सुबह के 7 बज चुके हैं। अब देखते हैं टाइम पे कौन कौन पहुँचा है, अभी बस 1 मिनट बचा है 7 बजने को। कहाँ पे हो भाई लोग? भाई कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो गाइस राइडर लोग पहुंच गए और ये अपने आज का बाइक का लाइनअप है, देख सकते हो काफ़ी सारी बाइक आई हैं और अब यहां से अपनी राइड स्टार्ट होगी और सारे बाइकर्स लगभग आ गए, एकाध और आने होंगे तो आ जाएंगे। तो गाइस हम लोग कांकेर से आगे निकल चुके हैं और बस केसकाल घाटी के पास ही है अपन। अब अपन को आगे जाके बस केसकाल घाटी पे चढ़ना है और हम लोग बहुत करीब है अभी, बस हम लोग नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर केसकाल घाटी के ऊपर चढ़ेंगे। और भाई नज़ारे इधर क्या मस्त है और रिएक्शन तो भाई इनका देख ही सकते हो कैसा आ रहा है। नहीं मौसम भी मस्त है, धूप निकल नहीं रही है और बादल छाए हुए हैं और बारिश भी नहीं हो रही है, तो भाई मौसम एकदम मस्त है। और सारे राइडर्स आगे निकल चुके हैं और मैं थोड़ा पीछे हूँ, तो चलो आगे चलते हैं और भाई मौसम के मज़े लेते हैं और भाई केसकाल घाटी में क्या ही मज़ा आने वाला है अपने को, क्योंकि भाई तगड़ी घाटी है ये और यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा केसकाल घाटी में। तो भाई फाइनली अपन केसकाल घाटी राइडर्स तो फाइनली घाटी पे चढ़ना स्टार्ट हो गया अपन लोगों का और सामने से बस आ रही है तो आराम से जाना होगा। भाई देख सकते हो कितनी खतरनाक चढ़ाई होने वाली है अब केसकाल घाटी की।
भाई भाई सामने से गाड़ियाँ भी आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे। और धीरे धीरे रुक के चढ़ना होगा क्योंकि भाई गाड़ियाँ बहुत हैं, सामने से गाड़ी आएगी तो फिर बड़ी गाड़ियाँ तो रुकेगी, उसके पीछे अपने को भी रुकना पड़ेगा। इधर जाना सही नहीं लग रहा मेरे को, गाड़ी के पीछे चलते भाई, धूल उड़ा रहा है। ये है कि स्काल घाटी अपन धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, स्लोली स्लोली, क्योंकि भाई सामने से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। अपने भाई लोग हैं और कुछ राइडर अभी आगे और है। भाई कितना खतरनाक मोड़ है भाई, कितना खतरनाक चढ़ाई है भाई, मैं देखो गाड़ी कहाँ से आ रही, मैं कहाँ से चढ़ाया, कई खतरनाक मोड़ के भाई चढ़ गई गाड़ी भाई। तो ये घाटी खतरनाक होने वाली, मैंने पहले ही बोला था। और भाई ऐसे खतरनाक खतरनाक मोड़ है भाई, देखो सामने जिग जाग है पूरा भाई, नज़ारे देखो अगल बगल के पूरे खतरनाक। पंचवटी इधर और अपन पहुंच गए केसकाल, और शायद हमारी घाटी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और आगे और ऊपर जाना है कि नहीं पता मेरे को, बट फिलहाल अभी अपन ऊपर आ चुके हैं केसकाल के। और भाई अब हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, केसकाल के ऊपर आ गए तो ये दुनिया पूरी ऊपर में ही है, हम जहाँ पीछे थे वो पूरी नीची समतल ज़मीन है और ये ऊपर कह रही है, और ये इधर भी ऊपर है पूरा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऊपर चढ़ गए उसके बाद हमें नीचे उतरना होगा, पहाड़ क्रॉस करने वाला सीन नहीं, हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े फिर ये ऊपर पूरी बस्ती बसी है, और यहाँ हम लोग जितना लंबा जाएंगे उतना दूर पूरा ऊपर ही रहेगा, नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं यहाँ पे पूरी ऊपर भी। तो गाइस अपन लोग पहुँच गए ताता मारी, और भाई यहाँ का व्यू ख़तरनाक है, जाके देखते हैं। और अपने राइडर्स आगे आगे है और आधे लोग पीछे आ रहे वीडियो बनाते हुए, और पंजा रहे भाई, व्यू खतरनाक होने वाला है यहाँ का हिल स्टेशन। ये तो चलते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग वैकिंग ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट भाई व्यू देखना सामने कैसा है, कयामत है। कैसा लग रहा है, कयामत 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 कयामत। ओ भाई ओ भाई, ये देखो भी वो देखो, कोई